अगर इस बार के हम बिग बॉस की बात करते हैं तो बिग बॉस वाले बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा फेक स्टोरीज बनाने की कोशिश करी अब एक नई खबर उड़ती उड़ती सामने आ रही है मतलब पहले हम एक बार इनका पैटर्न जान लें तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या सीन है और ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूं बिग बॉस ओटीटी टू से बिग बॉस ओटीटी टू में इन्होंने क्या कोशिश करी जब हाइप नहीं बन रही थी तो एलविश और किसको साथ में लेकर आए थे आपको पता है आशिका भाटिया को साथ में लेकर आए ताकि उनका एक पर्सनल टसल जो पहले से चलता आ रहा था वो इन्हें स्क्रीन पर भी देखने को मिले और ये ऑडियंस को भी परोस सके और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने देखा कि वहां पे इनका प्लान फेल हो गया लेकिन फुकरा वर्सेस एलविश की हाइप की वजह से वो शो अलग लेवल पे हाइप ले गया लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बार बिग बॉस सेवनटीन की तो इन्होंने वही स्ट्रैटेजी इस बार अप्लाई करने की कोशिश करी और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए क्योंकि वैसे ही बिग बॉस सेवनटीन एक फ्लॉप शो बन के सामने आ रहा था लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो नई खबर हमें सुनने में आ रही है ना ये लिटरली बिग बॉस को एक्सपोज करने वाली खबर है कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हो भी जाता है तो वो खबर कुछ इस प्रकार है कि इस बार इन्होंने अभिषेक का और ईशा का रिलेशनशिप एक्सप्लॉयड करने की पूरी कोशिश करी जो इनका पुराना एक टसल था उस हिसाब से ये पहले दो कंटेस्टेंट

एक लड़की जाके एक पॉडकास्ट अपनी फ्रेंड के चैनल पे देती है और उस लड़की को ये शो में बुला लेते हैं सिर्फ़ उस पॉडकास्ट के दम पे और अब आ, सामने मुनबर है तो इन्होंने पूरे तरीके से मुनबर को कॉर्नर कर दिया फिर इन्होंने पहले खुद यूट्यूबर को वहां पे बुलाया यूके जीरो सेवन राइटर को फिर उसको डिमीन करना चालू करा ठीक है मस्ती मजाक तक एक लेवल तक ओके था लेकिन उसके बाद जब इन्होंने सीरियस लेवल पे उसका मजाक उड़ाना चालू करा वो बात अलग हो गई लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बार एक जो नई खबर सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि हमारी कच्चा बदाम फेम यानी कि अंजलि अरोड़ा जिनके साथ इनकी ऑलरेडी एक स्टोरी रह चुकी है जो कि इनका पुराना शो था लॉकअप उसके अंदर इनका एक स्टोरी रह चुका है मुनवर के साथ कहा जा रहा है कि अंजलि अरोड़ा को भी एज अ वाइल्ड कार्ड बिग बॉस 17 में मुनव्वर के सामने लाकर रखा जाएगा और मेरे ख्याल से ये तो फिर क्लियर हो गया कि भैया तुम यही स्टोरीज एक्सप्लॉयड करोगे यहाँ पे तुम्हें अंजलि और विकास कोई खास कंटेंट दे नहीं रहे या विक्की जैन कोई खास कंटेंट दे नहीं रहे तो बेसिकली इन्होंने एक नया नया सीन बना दिया ये मेरे को बड़ा अजीब लगा देख के आपको कैसा लगा मेरे को ये जरूर बताना मतलब इतना गंदा शो कैसे हो सकता है कोई मतलब इतना नीचे कैसे गिरा जा सकता है बिग बॉस वाले हर बार कोई ना कोई एक लेवल नेक्स्ट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं जहां तक मुझे लगता है ये आ, लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और इतना ग्रह कलेज दिखाना सारा दिन टीवी पे ऊपर अच्छा नहीं लगता एंड मेरे ख्याल से आई एम नॉट इन द फेवर टू दिस और इस बार इनका पूरा मन है कि किसी तरीके अंजलि अरोड़ा भी आ जाए भैया और मुनवर का कलेज बढ़े क्योंकि इस बार देखा जाए तो अगर ये शो हिट होता है पहली बात तो अगर ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये शो बहुत बड़ा हिट निकल के गया है तो तुम्हें मैं बता दूं कि जब भी बिग बॉस की टीआरपी हाई रही है या शो हिट रहा है इस सीज़न को एक्सटेंड किया जाता है और हर बार न्यू ईयर तक ये चीज़ बता दी जाती है कि सीज़न एक महीने तक और एक्सटेंड होगा लेकिन इस बार ये सीजन और एक्सटेंड होता नहीं लग रहा ना ही कोई खबर आ रही है और ना ही कोई चांसेस लग रहे हैं बाकी आपके क्या विचार हैं प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में और हाँ सीरियसली अगर ये करते हैं ना तो इस बार बहुत ही वाहियात हो जाएगा सीन और प्लीज ऐसा हाइप के लिए तो यार नहीं करना बाकी आपका क्या विचार है अभिषेक वाली कॉन्ट्रोवर्सी में बात होनी चाहिए नहीं प्लीज मेरे को जरूर बताना और आपको क्या लगता है अभिषेक ने समर्थ के रैपटा मार के सही किया कि नहीं किया मुझे तो सही लगा लेकिन जो भी आपके विचारों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना विल सी यू इन अनदर वीडियो का इस जय हिंद मिलता हूं अगली वीडियो में